हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। बात कर रही हूँ यहाँ पे नेहा, सचिन एंड सुमित महल के बारे में। जो कुछ भी बीते दिन हो रहा है आप सबको पता ही होगा, और इन दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पिस रहा है। इन दो लोगों के मजे के चक्कर में अगर किसी को सज़ा मिल रही है, जो पूरे तरीके से निर्दोष होते हुए भी इन सारी चीज़ों में उसका कोई रोल नहीं था, उसको इन चीज़ों की कुछ भनक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इंसान बीच में पिस रहा है, फिर भी वो परिवार बीच में पिस रहा है, वो है सुमित महल का परिवार। वो परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। जब किसी के परिवार पर इतनी बात आ बनेगी तो कोई भी इंसान कैसे चुप रहेगा, और कब तक चुप रहेगा। जबकि उसकी गलती ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं था, तो कोई इंसान क्यों चुप रहे, और क्यों ये बेवजह के सारे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब उस इंसान का ना दम घुट रहा है इन सारी चीज़ों में। सुमित महल का दम घुट रहा है इन सारी चीज़ों में। कर किया तो किसी ने, सचिन और नेहा के बीच का ये है, जबकि उस इंसान ने तो सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी में फिर से खुशियां लाने की सोची थी ना। उस इंसान ने तो फिर से उस बेटी जिसके सर से पिता का साया छिन गया था, उसको फिर से पिता का प्यार देने की सोची, फिर से उसकी लाइफ सुधारने की सोची, और बहुत सारे सपने भी देखे। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान देखेगा, उन्होंने भी देखे अपनी शादी के, लेकिन उनको क्या मिला, बदले में धोखा। और धोखा कोई भी कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो जाहिर सी बात है इंसान के अंदर गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा, और फिर जो उसको लगेगा वो करेगा। और उनको हक है, उनको अपना निर्णय लेने का पूरा हक है, और उनको सजा भी देने का हक है कि जी सीधा सीधा चीटिंग किया है। यहाँ पर एक इंसान के साथ नहीं, सुमित के साथ नहीं, उसके पूरे परिवार के साथ भुगत कौन रहा है, पूरा परिवार। कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उनका पूरा परिवार बाहर निकल नहीं पा रहा। वो इंसान अपने परिवार की हालत देख के ना घुट घुट के जी रहा है, घुट घुट के मर रहा है, रो रहा है वो इंसान, रात रात भर रो रहा है, सो नहीं पा रहा वो इंसान कि आज मेरे घर उनके पिता तो है नहीं, उनकी मदर हैं और उनके भाई हैं, एक छोटा सा उनका प्यारा सा इज्जतदार परिवार है। आज उनके कारण, क्योंकि उन्होंने नेहा को चुना, उन्होंने नेहा को चुना, पसंद उनकी थी, उनके कारण उनके परिवार में आज इतनी सारी विपताएं आ गई, आ उठी हैं कि उनका मम्मी का तबीयत बार बार ख़राब होता जा रहा है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, वो समझ, देखा ना हमने, देखा था सगाई में आंटी जी कितना ज़्यादा खुश थी, किस तरह से तासी को गोद में उठा के डांस कर रही थी, कितना प्यार, मतलब तासी को इतना प्यार दे रहे थे ना सब लोग, कि लगा ही नहीं कि ये इनकी बेटी नहीं है कुछ भी। चाहे सुमित हो, चाहे वो तासी की बुआ जी हो, उनकी जो सिस्टर हैं, चाहे दादी हो, दादी कितना खुशी से डांस कर रही थी, झूम उठी थी। तो उससे लग रहा था कि पूरा परिवार कितना ज़्यादा खुश था, स्पेशली सब ने तासी को अपनाया था। जो बात नेहा ने खुद भी बोली थी कि मुझे खुशी इस बात की कि पूरे परिवार ने खुशी खुशी सबसे पहले तासी को अपनाया है। और कहीं ना कहीं हर इंसान के हाथ बंधे हुए हैं तासी को लेकर। नेहा ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, और ना ही सुमित उस चीज़ के लिए कभी माफ़ कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब बेटी का मुंह देखता है ना कोई भी हो, तो फिर यार वो वहीं पर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उस बेटी की क्या गलती, उस मासूम बच्ची की क्या गलती। उसको तो कुछ भी नहीं पता था, वो तो दुनियादारी से इन सारी चीज़ों से बेफिक्र है, लेकिन करने से पहले एक बेटी की माँ को सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों का मेरी बेटी पर क्या असर पड़ेगा, वो बड़े है कि देखेगी तो क्या होगा। तरह तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है कि शादी होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, इसलिए उनको मजबूरन आके बोलना पड़ा, और अपने मन की जो दिल की बात थी शायद वो कह नहीं पा रहे थे, वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे, वो नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उनको इतना बड़ा मतलब धक्का लगा है ना, उनकी अपने साथ साथ, अपने साथ साथ दीदी जान ने उनकी, हटाओ यहाँ से, हटा जल्दी, उन अपने साथ साथ उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। दीदी जान अपनी इज्जत की धज्जियाँ तो उड़वा ही चुकी,
आप सबको पता ही होगा क्या कुछ चल रहा है, लेकिन साथ में अगर कोई सजा भुगत रहा है ना, तो वो सुमित का परिवार है। वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, नज़रें नहीं मिला पा रही। उनकी सिस्टर जो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, साथ में अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रही थी, उनके पास भले ही कम पहचान थी, कम सब्सक्राइबर थे, कम लाइक थे, कम व्यूज़ थे, लेकिन उनके पास इज्जत थी। वो खुशी से शान से चल पा रहे थे, जी पा रहे थे और कैमरे को फेस कर पा रहे थे। आज वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आज वही वो लाइक, वही सब्सक्राइब, वही व्यूज से भागते फिर रहे हैं। सिस्टर को अपने चैनल से वीडियो तक हटाना पड़ा, लेकिन क्या करें, ऑडियंस तो जान गई है, फिर भी जाके वही कमेंट करें। उनको दिक्कत हो रही है, उनके पूरे परिवार को दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें आना पड़ा कि बस कर दो, जी लेने दो हमको, हमारे परिवार को। परेशान हो रही है सुमित, महल की भी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, रात रात भर सो नहीं पाते वो। उनकी मम्मी जी, उनका तबीयत ख़राब हो रहा है, उनके पूरे परिवार का हाल बेहाल हो रहा है। वो किसी भी कंडीशन में नहीं थे कि कुछ भी आके बोलें करें, और किस चीज़ की वजह से, किस लिए, किस वजह से उनको सज़ा मिल रही है कि उन्होंने नेहा से सगाई की, एक विधवा औरत को अपनाने जा रहे थे, एक बेटी की माँ को अपनाने जा रहे थे, कि इसी बात की सज़ा मिल रही ना। तो यार कौन इंसान गुस्सा नहीं करेगा, किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चाहते थे, इसीलिए तो शादी कर रहे थे। और चाहने के बाद किसी को जब इस तरह से असलियत सामने आए, तो सबको बुरा लगता है। और रही यहाँ पर उसकी बात की, रिएक्शन चैनल वालों से खास रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बंद कर दो, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बंद कर दो, परेशान हो रहे हैं हम लोग, ये चीज़ें अब देखी नहीं जा रही। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, रिएक्शन चैनल वाले तो बंद भी कर देंगे, लेकिन जहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ है, वो लोग बंद करने का नाम नहीं ले रहे। वो हर रोज़ नया नया कंटेंट लाते हैं, नई रोज़ नए राज खुलते हैं, नई रोज़ रोज़ पोल खुलती हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले कैसे चुप हो जाएंगे, कैसे? भाई जब कोई सामने से हमको कंटेंट दे रहा है, तो रिएक्शन चैनल ले रहे हैं, बना रहे हैं, भाई उनको तो मिल रहा है। जब वो चीज़ें ही वो लोग खुद खुश होता है, खुद वो ख़त्म कर देंगे ना, तो रिएक्शन चैनल वाले भी अपने आप ही चुप हो जाएंगे, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, वो नहीं बोलेंगे। अगर वो कोई चीज़ देखेंगे तो रिएक्शन चैनल का काम है रिएक्ट करना, करेंगे। अभी मैंने दीदी जी का भी वीडियो देखा, उन्होंने भी बोला कि अभी तो मेरा पक्ष आना बाकी है, कुछ चीज़ों की वजह से अभी मेरा मुँह बंद है, मजबूर हूँ, मैं भी अपनी बात रखूँगी। अब उधर की बात तो भी ख़त्म नहीं हो रही, धीरे 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 आ रही है राज फैमिली से, अभी तिवारी फैमिली की भी बात आएगी, दीदी जान भी अपनी रखेंगे, अभी तक भाई जान रख रहे थे, अब दीदी जान का भी आएगा। तो फिर क्या है बताइए, रिएक्शन चैनल वाले कैसे बंद कर देंगे, कैसे बंद कर देंगे? तो पहले तो दीदी जान को बोलो कि वो ये सारी चीज़ें बंद करें। उन्होंने तो खैर अब तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब वो बोलने वाली हैं, उन्होंने कल बोला है कि वो अपनी बात रखने वाली हैं। तो फिर बताइए ये चीज़ें कैसे बंद हो जाएंगी, कैसे ख़त्म हो जाएंगी, फिर कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले चुप हो जाएंगे? उनको कंटेंट दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, और खैर इज्जत से उन लोगों, जिन लोगों ने हरकत की है ना, उन लोगों को तो इज्जत से कोई मतलब ही नहीं है, कोई परवाह नहीं, परवाह ही नहीं इज्जत की। लेकिन जो इज्जतदार परिवार है, वो बीच में पिस रहा है, उस परिवार का बीच में दम घुट रहा है, वो परिवार थक चुका है, और वो मजबूरी में आके उन्होंने हाथ जोड़े। हालांकि वो सोशल मीडिया पर नहीं आते, सोशल मीडिया पर नहीं आते, और उन्होंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ये सारी वीडियोस का। थोड़ा बहुत कनेक्ट थे सोशल मीडिया से, बट इतना ज़्यादा नहीं थे, वो नहीं करते, ना ही उनको इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी में, उन्होंने लाइव में ही क्लियर कर दिया था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही, तो उन्हें मजबूर आके हाथ जोड़ना पड़ा कि बस कर दो, हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं झेल पा रहे हैं। कौन भुगत रहा है यार, इज्जत की किसकी जा रही है? कौन लोग जिन्होंने किया है, वो तो फटा कैमरा आराम से नज़रें मिला रहे हैं, आराम से कैमरा फेस कर पा रहे हैं, आराम से बिंदास होके घूम पा रहे हैं, हर रोज़ उनका नया वीडियो आ रहा है। और एक इंसान जिसको कोई दोष ही नहीं है, वो परिवार बीच में सच में दम घुट रहा है उस परिवार का। उन्होंने बोला कि वीडियो हमने ये नहीं बोल दे कि हमारे सपोर्ट में हमारे लिए अच्छा बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। तो
ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हैं तो अच्छा ही बोला जाएगा, और जो जिन्होंने गलत किया है उनके लिए गलत ही बोला जाएगा। ये सारी वीडियो देखने के बाद सच में सुमित के लिए दिल में इज्जत रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। रही शादी की बात, तो अभी उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया है। जो भी चीज़ें शांत होंगी, उनका परिवार जैसा भी जो फैसला लेगा वो सब हमारे साथ वो ज़रूर बताएंगे सही वक्त आने पर। तब तक हम और आप इंतज़ार करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। बैकग्राउंड आवाज़ इतना ज़्यादा है मेरे यहाँ पर यार, कुछ पूछो मत। बाय बाय।